गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट वांगड़ कॉलेज टीटवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड से विषय अप्लाइड जूलॉजी के एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हनी बी जो एपिकल्चर में यूज होती है उसकी कौन कौन सी जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग एपिकल्चर में या मधुमक्खी पालन में किया जाता है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उनका वितरण क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है, और उनसे कितनी मात्रा में शहद की प्राप्ति होती है, उनका स्वभाव कैसा है, आवाज़ कैसा है, ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम हनी बी का बेसिक क्लासिफिकेशन समझेंगे और उसके बाद आगे की कक्षा में हम हनी और उसके उत्पादों बाई प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी पालन में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हनी बी या मधुमक्खी का उपयोग मधुमक्खी पालन में करते हैं, जिसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। इसमें जो वर्गीकरण की स्थिति में सबसे ऊपर जगत आता है, उसके बाद संघ, उसके बाद कक्षा, फिर गण, फिर उसके बाद में कुल, फिर उसके बाद में वंश और जाति आती है। तो यहाँ पे जो दो शब्द आते हैं ट्राइब और क्लेड, वो इनकी मध्यस्थ स्थिति को दिखाती है, जिनको हम टैक्सोनॉमी वाले पार्ट में कवर करते हैं। तो हनीबी की क्लासिफिकेशन में एनिमिलिया किंगडम, ऑर्थोपोडा फाइलम, इंसेक्टा क्लास, हाइमेनिप्टेरा ऑर्डर, एपीडी फैमिली, जीनस एपिस और स्पीशीज में चार स्पीशीज है, फ्लोरिया, डोरसेटा, सिरेना एंड मेलीफेरा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हम हनी बी कल्चर क्यों करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि मधु और परागकण की प्राप्ति के लिए हम मधुमक्खियों को पालते हैं, और ये कृषि आधारित उद्योग है जिसमें कि मधुमक्खियां फूलों के रस को ग्रहण करती है अपने विशेष उपांगों की सहायता से, उस रस को वो सक करते हुए अपने अंदर लेती है और उसके बाद में उन्हें आगे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें उस नेक्टर और परागकणों का मिक्सचर जो है उसमें अपने पाचक रस को मिला के और उसकी सहायता से एक विशेष पदार्थ बनाती है जिसको हम शहद या मधु हनी कहते हैं, और उसके बाद में छत्ते में जमा करती है। जंगलों से मधु एकत्रित करने की जो परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है, जिसमें कि आदिवासी समुदाय आज भी इस परंपरा को अक्षुण्य बनाए हुए हैं, जो जंगलों में वनवासियों के रूप में रहते हैं और वो मधुमक्खियों के छत्तों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, और विशेष मौसम में जब वो हनी को इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद में वो उस शहद को अपने दैनिक जीवन की सामग्री बनाने में, औषधियाँ बनाने में और भोजन के रूप में काम में लेते हैं। साथ ही ये एंटीसेप्टिक गुण भी रखता है और विशेष प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनमें वैद्यों के द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है, साथ ही सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन में एक जो बाई प्रोडक्ट मोम बनता है उसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सामग्रियों को बनाने में करते हैं। उसके बाद हम आगे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मधुमक्खियों की प्रजातियाँ, स्पीशीज और हनी बी। यहाँ मधुमक्खियों की जो उत्पत्ति है वो यूरेशियन और अफ्रीकन महाद्वीपों में मानी गई है, जिनको बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट्स में ले जाया गया। भारत में जो मधुमक्खियाँ हैं वो चार हैं, एपिस मेलीफेरा जो पश्चिम से हैं, एपिस सेरेना इंडिका जो पूर्वी है भारत से हैं, और एपिस डॉर्सेटा जिसको हम रॉक मधुमक्खी भी बोलते हैं, और एपिस फ्लोरिया जो छोटी और झाड़ियों में रहने वाली स्पीशीज है। पहले देखते हैं लघु मधुमक्खी लिटिल हनी बी और एपिस फ्लोरिया। इस प्रजाति को सबसे आदिम शहद मधुमक्खी प्रजाति माना जाता है, जो छोटी होती है, इसका रंग भूरा होता है और पेट का जो आधारी हिस्सा है वो लाल रंग का होता है।
आमतौर पर ये अपना छत्ता झाड़ियों में बनाती है और मैदानों में 300 मीटर तक की ऊंचाई पर इनके घर देखे जाते हैं। छत्ते के ऊपर ये एक से अधिक परतों में पंक्तियों में बैठी होती है और इसका छत्ता, जैसे कि इसका नाम है लिटिल हनी बी, इसका छत्ता भी छोटा होता है और शहद की प्राप्ति भी 200-250 ग्राम ही इसमें मिलती है, इसलिए ये ज़्यादा एपिकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। उसके पश्चात आता है एपिस डोरसेटा, यह दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला एक बड़ी जंगली मधुमक्खी है, मुख्यतः वनों में पाई जाती है। इसकी जो विशेषता है, इसका उग्र स्वभाव, ये साइज़ में बड़ी होती है और ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है, गुस्सा जल्दी करती है, अतः इसको पालना बड़ा मुश्किल होता है। छत्ते का निर्माण ज़मीन के ऊपर पेड़ों की शाखाओं पर, चट्टानों के नीचे, खंडहर और रिक्त जो ऐसी खाली इमारतें होती हैं जिनमें नहीं रहते हैं लोग, उनकी छतों पर दिए जाते हैं। छत्ता एकल ऊर्ध्वाधर कंघी से बना होता है, कंघी या कॉम जो ये छत्ता होता है उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी कभी लंबाई में 1 मीटर से भी अधिक होता है। मार्च अप्रैल में प्रजनन के मौसम के दौरान वे घोंसले के शिकार स्थलों की तलाश में जंगलों में अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं और उपयुक्त स्थान को देखते हैं और वहाँ प्रजनन की क्रिया करते हैं। एक छत्ते से 5 किलो तक मधु प्राप्त हो सकता है। यह मधुमक्खियाँ मैदानों से पर्वत तक काफ़ी दूर तक पलायन करती रहती है। इस प्रकार ये विपरीत जलवायु परिस्थितियों, खराब मौसम का सामना करने में सक्षम है। तो इस मधुमक्खी की जो विशेषता है कि अग्रेसिव नेचर है, इसलिए इसका उपयोग भी मधुमक्खी पालन में करना बड़ा कठिन होता है और शायद 5 किलो तक प्राप्त होता है। उसके बाद आता है भारतीय मधुमक्खी एपिस सेरेना, तो ये ऐसे ही मूल की मधुमक्खी भारतीय मधुमक्खी भी कहलाती है। आकार मध्यम है, दक्षिण एशिया और हिमालय रेंज के सभी देशों, अफगानिस्तान से इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड में भी पाई जाती है। भारत के अधिकतर भागों में इनको पाला जाता है। व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन किया जाता है। यह है भारत में अभी भी जंगली, विशेषकर हिमालय बेल्ट में पाई जाने वाली प्रजाति है, जहाँ ये पेड़ों के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में घोंसले बनाती है। शहद उत्पादन के लिए प्रजातियों को किसानों द्वारा पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका मृदु यह सरल स्वभाव होता है और यह संलग्न स्थानों में छत्ता बनाती है। प्रतिवर्ष अच्छी मात्रा में 12 से 15 किलो शहद का उत्पादन एक कॉम या छत्ते से हमें मिल जाता है। आकार इसका मध्यम है, पेट पर अनुपस्थ धारियां हैं। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण फल खिलते हैं, वहां पाई जाती है, जहां पे इसको शहद बनाने के प्रचुर स्रोत मिलते हैं। सर्दियों में 0 डिग्री से कम तापमान पर भी जीवित रह सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय मधुमक्खी एपिस सेरेना है, वो पूर्णतया अनुकूल है मधुमक्खी पालन के लिए, जिससे इसका पालन करना बहुत आसान है, क्योंकि सरल स्वभाव है और साइज़ भी मीडियम है, मध्यम साइज़ की है। शहद की प्राप्ति भी अच्छी है, 12 से 15 किलो, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी होती है, एक शहद से प्राप्ति होती है। और इसका देखें तो ये बहुत कम तापमान पर भी सर्वाइव कर सकती है, अतः इंडिया में मुख्य रूप से इसी का उपयोग मधुमक्खी पालन में किया जाता है। उसके पश्चात आती है सबसे बड़ी साइज की और सबसे महत्वपूर्ण, यह वेस्टर्न बी और एपिस मेलिफेरा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका उपयोग एपिकल्चर में किया जाता है। ये बड़ी, रंग में हल्की और शहद उत्पन्न करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, इसलिए जो एपिरिस्ट जो होते हैं, मधुमक्खी पालनकर्ता जो होते हैं, वो इसका अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं, इसी के द्वारा शहद उत्पादन काम में लेते हैं। और चूंकि ये विदेशी प्रजाति है, इसलिए इसका अभी तक उत्तरी पश्चिमी भारत में ज़्यादा उपयोग किया गया है, जो एक वर्ष में 40 किलो शहद तक का उत्पादन कर सकती है एक छत्ते के द्वारा। और हम देखते हैं तो एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना आपकी जो मधुमक्खियों की जाति हैं, वो अधिकतम काम में ली जाती है एपिकल्चर के लिए। उसके पश्चात हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, तो यहाँ लाइफ साइकिल में हमें लार्वा दिखता है इसका, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती है और बाद में ये श्रमिक और उसके बाद में रानी और ड्रोन, इनके रूप में ये पाई जाती है। तो यहाँ रानी जो सबसे बड़ी जाति ज्ञाती है, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ जो मिलते हैं इनमें रानी सबसे बड़ी है,
जिसके 16 दिनों की कुल अवधि इसके जीवन की होती है, और रानी को बड़ी कोशिकाओं में पाला जाता है जिसमें लार्वा को विशेष रूप से शाही जेली खिलाया जाता है, रॉयल जेली। मुख्य रानी की मृत्यु होने पर श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा नई रानियां बनाई जा सकती है। जो आपकी वर्जिन जो क्वीन होती है, रानी होती है, वो संभोग के लिए कामद उड़ानों में जाती है और फिर अंडे देने के लिए छत्ते में वापस आती है। इस दौरान उसके साथ कुछ ड्रोन या मेल जो है वो साथ में रहते हैं। बांझ श्रमिक मधुमक्खी के छत्तों को साफ करते हैं और अपने जीवन के पहले 10 दिनों में लार्वा को खिलाते हैं। इसके बाद वे छत्ते में कॉम कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 16 से 20वें दिन श्रमिक जाली से लाए हुए नेक्टर से शहद बनाते हैं। 20वें दिन के पश्चात श्रमिक छत्ता छोड़ देता है और शेष जीवन एक वनवासी के रूप में बिताता है और अंत एक जलवाहक के रूप में मर जाता है। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी है उसका निर्माण रॉयल जेली खाने से होता है, जबकि बाकी जो ड्रोन्स और जो बांझ श्रमिक जो कि मादाएं होती है उनको सामान्य भोजन दिया जाता है। श्रमिक ड्रोन और रानी लार्वा को जीवन के पहले दिनों में शाही जेली खिलाया जाता है। उसके बाद श्रमिक लार्वा को पराग और पतला शहद दिया जाता है, जबकि जो रानी में विकसित होती है उन्हें प्रोटीन युक्त शाही जेली पर खिलाया जाता है। रानी को विशेष बड़ी रानी कोशिकाओं में पाला जाता है जो विशेष रूप से रानी लार्वा के लिए बनाई जाती है और एक ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास यानी खड़ी संरचना के रूप में देखने को मिलती है। जब पुरानी रानी मर जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो श्रमिक आपातकालीन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिनमें सुपरकंड्यूर रानी कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जो बड़ी होती है और कॉम्ब से निकलती है। तो यानी कि रानी किसी भी छत्ते का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और रानी ही सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करती है। अतः उसका जो पालन पोषण है उसको विशेष प्रकार की कोशिकाओं में किया जाता है जो आकार में बड़ी होती है, ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास में होती है, और उनको प्रोटीन युक्त रॉयल जेली खिलाया जाता है जिसमें शहद और पराग की मात्रा ज़्यादा होती है। ड्रोन अनुवांशिक रूप से अगुणित पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, जिनके पास कमज़ोर मुख पत्र होते हैं, इसलिए वे किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और पूरी तरीके से श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं। और ड्रोन जो है उनका प्रमुख कार्य है रानी को कामद उड़ान के दौरान संभोग करके निषेचित करना और उसके बाद में आगे के वंश को चलाना है, और इसमें ड्रोन की मृत्यु हो जाती है। ड्रोन आमतौर पर छत्ते से बाहर निकाल दिए जाते हैं और ठंड या भूखमरी से मर जाते हैं। रानी की पेट में स्थित स्पर्मेथिका नामक छोटे थैली जैसे अंग में शुक्राणु दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रानी है वो अगर मेल से उसका मेटिंग होता है तब तो वो डबल द्विगुणित या 2N वाली मादाओं को जन्म देती है जिनका भविष्य या तो श्रमिक मादा के रूप में होता है जो कि बंदे होती है, या फिर उनमें से किसी को रानी का दर्जा प्राप्त होता है। जबकि कुछ मादाएं बिना निषेचन के पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के द्वारा जब जनन करती है तो उससे उत्पन्न अंडे अगुणित कोशिकाओं वाले होते हैं जो कि आगे जाके निषेचन योग्य अगुणित नर या ड्रोन में विकसित होते हैं। अब यहाँ इनमें एक डिजीज भी होती है, अमेरिकन फाउल ब्रूड। हनी बीज आल्सो अमेनेबल टू डिजीज सच एज दी अमेरिकन फाउल ब्रूड विच समटाइम्स डिस्ट्रॉयज लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो यहाँ आपको याद रखना है कि हनी बीज में कौन सा रोग होता है, अमेरिकन फाउल ब्रूड, जिससे कि कई कॉलोनीज नष्ट हो सकती है। अब हम इसकी विभिन्न अवस्थाओं को चित्र के माध्यम से समझेंगे। हनी बी एग्स शोन इन ओपन वैक्स सेल्स। देखो यहाँ पे जो वैक्स जो सेल्स हैं उनमें ये आपके अंडे दिख रहे हैं वाइट कलर में। इसके बाद आगे हम देखते हैं एग्स एंड लार्वी। एग्स जो है इनके अंदर जो वाइट वाली संरचनाएं हैं वो छोटी छोटी वो है, और लार्वी जो पनप रही है ये बड़ी आकार में लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद में ड्रोन प्यूपी यानी कि नर के जो प्यूपा है उनको हम देखते हैं यहाँ पे, ये विकासशील अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन डार्क हनी बी एपिस मेलीफेरा,
तो यहाँ देखिए ये मोम लगी हुई कोशिकाओं को काटते हुए किस प्रकार बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार आज हमने हनीबी का लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त की, हनीबी के विभिन्न लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसके बाद इससे पहले हमने इसका वर्गीकरण देखा था। अगली कक्षाओं में हनी और हनी के साथ बाई प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे और इसके आगे महत्व को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।